सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूँ गाइस। तो आज मैं आप लोगों को दुहाई डिपो दिखाने वाला हूँ, और दुहाई डिपो के अंदर दूसरी रैपिड रेल भी आ चुकी है। और देख सकते हैं तस्वीरें, ये रखे हुए हैं ट्रैक स्लैब जो यहाँ से उठा उठा कर ले जा रहे हैं आगे, यानी कि आपको जो गाज़ियाबाद का स्टेशन है उससे आगे यहाँ से ले जाए जा रहे हैं ट्रैक स्लैब उठा उठा कर गाइस। तो ये आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो दुहाई डिपो के अंदर जो काम है वो बिल्कुल कंप्लीट सा ही हो चुका है। सारे ट्रैक्स भी बिछा दिए गए हैं, बस इस पर वायरिंग का काम रह गया है। देख सकते हैं ये जो खंभे लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इन खंभों पर अभी ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, उन पर ओवरहेड वायरिंग भी लगाई जानी है, तो यहाँ पर नहीं लगाई गई है। और देख सकते हैं ये सिग्नल लाइट लगी हुई है आगे, और ये देख सकते हैं ये वर्कर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बॉल बनाने का काम किया जाएगा। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। तो आपको बता दो दोस्तों, देखिए ये ट्रक जो लेफ्ट में खड़े हुए हैं यही लेकर आए थे, गुजरात से लेकर आते हैं ये रैपिड रेल को, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आज की रात में ही उतारे गए थे, आज तो दिन है तो रात में ही उतारे गए थे, कल यहाँ पर ये रखी हुई थी, पर इन्हें 4-5 दिन लगते हैं लाने में गए। और ये दुहाई डिपो का स्टेशन है, तो स्टेशन कंप्लीट कर लिया गया है, और इसका आपको बता दूं कि जो टीन सेट का काम था वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। इस पर ऊपर का जो सनरूफ बनाने का काम था वो भी कर लिया गया है, बिल्कुल कंप्लीट यहाँ हो गया है। अभी काम बचा हुआ, आगे तो हम चल रहे हैं अभी अंदर की साइड में, जो दुहाई डिपो है वो दिखाएंगे चल के आपको कि दूसरी RRTS कहाँ पर खड़ी हुई है और कितना यहाँ पर वर्क हो चुका है। तो आपको बता दूँ कि दोनों साइड में अभी ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है, और जो मेंटेनेंस का काम है RRTS का रैपिड रेल का, वो इन्हीं के अंदर जो राइट में देख रहे हैं ना, इन्हीं के अंदर काम किया जाएगा, जो भी मेंटेनेंस का काम होगा गाइस। इस दुहाई डिपो इसलिए बनाया गया है, देख सकते हैं। और इसका जो इंजन है, जो इसका किस तरीके का इंजन था वो यहाँ पर लगा हुआ है सामने, और देखिए एक ये आ चुका है टिन सेट, ये तो पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था। और मेरे लेफ्ट हैंड पर ये NCRTC का ऑफिस है दुहाई डिपो के अंदर गाइस। तो हम अंदर चलते हुए आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो काफ़ी अभी इसमें काम है, लेकिन आपको बता दूँ जो ट्रैक बिछाने का काम था वो तो कंप्लीट कर लिया गया है। उसके बाद में जो आपको बता दूँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी वो यहाँ से करवाई जाएगी, ये देख सकते हैं राइट में, ये सारे ही यहाँ से करवाई जानी है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सारे ट्रैकों पर यहीं से प्रोवाइड करवाई जाएगी गाइस। तो आपको लोगों को बता दूं कि जो पुरानी वाली रैपिड रेल है वो सामने खड़ी हुई है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये पुरानी वाली रैपिड रेल है, और जो नई वाली रैपिड रेल है वो बिल्कुल लास्ट वाले जो टीन सेड है उसमें रखी गई है, और उसमें अभी इसको स्टैंड किया जा रहा है, मतलब कि जोड़ा जा रहा है सारे को, फिर उसके बाद में जिस ट्रैक पे ये दुहाई डिपो के अंदर इसको चलाया जाएगा, फिर इसको देखा जाएगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। देख सकते हैं ये पुरानी वाली तो डेली चलती है इस दुहाई डिपो के अंदर, क्योंकि अंदर ही अंदर अभी इस पर परमिशन है, क्योंकि अगले साल मार्च में यहाँ से ये चलकर और पहुँचेगी साहिबाबाद स्टेशन, और साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई डिपो के अंदर आएगी गाइस। ये 17 किलोमीटर का रूट है जो पैकेज वन है RRTS का, जो कॉरिडोर का RRTS का जो फर्स्ट पैकेज है उस पर ही चलाई जाएगी पहली बार 17 किलोमीटर के दायरे में, एक आएगी तो दूसरी जाएगी गाइस, यही है, अभी दो ही आई हैं और अभी और आने वाली हैं गाइस। तो देख सकते टनल के रखे हुए हैं स्लैब, देख सकते हैं जो ज़मीन के अंदर टनल बनाई जाती है उसके स्लैब ये रखे हुए हैं, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से गाइस। और ये हैं दुहाई डिपो के अंदर, आप लोग देख सकते हो कि जो टनल के स्लैब होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं गाइस। आप ट्रैक यहाँ तक बिछाया गया है, ये दोनों बिछाए जाएंगे, और अभी इस पर ये दीवारें लगाई जानी है, अभी देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेज़ी के साथ में, बॉल बनाने के देख सकते हैं। ये NCRTC
लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा इस बॉल पे। और चलते हैं अंदर की साइड में, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस पे ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिया गया है, बायर भी लगा दी गई है, ओवरहेड बायर देख सकते हैं ये लगी हुई है। और इस पे ट्रैक भी बिछा दिया गया, दूसरा ट्रैक भी बिछाया जाएगा। और इस साइड में आपको बता दूं, जितना भी कंस्ट्रक्शन का सामान है वो इस साइड में है। ये लेफ्ट हैंड पे जितने ट्रक ये खड़े हुए हैं, ये सारा कंक्रीटिंग का सारा माल यहीं रखा हुआ है इनका, RRTS का ये कंक्रीटिंग डिपो है इधर की साइड में। और ये बिल्डिंग है देख सकते हैं, NCRTC द्वारा जो बिल्डिंग है, यहाँ पर अधिकारी बैठेंगे वो इस पर बैठेंगे। और एक रूट ये वाला है, जो लाइन है वो बिछाने का काम था वो कर लिया गया है यहाँ पे। अभी हम अंदर से घूम कर आए हैं, अब चलते हैं बाहर की साइड में। देख सकते हैं तस्वीरें, ये खड़ी हुई है पुरानी वाली रैपिड रेल गाइस। और ये अब हम चल रहे हैं इस रोड से भिक्कनपुर के लिए, और भिक्कनपुर की रोड से ही हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये साइड वॉल का काम कर लिया गया है, क्योंकि पहले यहाँ पर साइड वॉल नहीं लगाई गई थी। और ये बिल्कुल लास्ट में ये RRTS खड़ी कर दी गई है पुरानी वाली, और जो नई वाली है वो भी आप लोगों को आगे दिखाएंगे चल के। तो बने रहो इस वीडियो के साथ में और ऐसे ही वीडियोज़ देखो। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम ये लास्ट में आ चुके हैं, तो अभी यहाँ पर वर्क चल रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये सामने अंडरपास है। और अंडरपास को अगर हम क्रॉस करेंगे तो चले जाएंगे मुरादनगर की साइड में। और इधर देखिए ये तीन साइड का काम है, अभी इन पर दीवार बनाने का काम चल रहा है, और अभी इस अंडरपास को और ऊंचा किया जाएगा, क्योंकि इनमें दीवारें ये देखिए ये कंक्रीट की मदद से ये ऊपर और उठा दी जाएंगी, ताकि इस RRTS की लाइन दिखाई ना दे बिल्कुल भी। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और हम चल रहे हैं अब RRTS की तरफ, जो पुरानी वाली ये रैपिड रेल खड़ी हुई है वहीं पर चल रहे हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे गाइस। तो देख सकते हैं ये साइड दीवार बनाने का काम चल रहा है अभी, देखिए ये मिट्टी गड्ढा किया गया था फिर इस पर कंक्रीट, ये देख सकते ये साइड वॉल बनाने का काम चल रहा है अभी, इसको बिल्कुल कवर्ड कर दिया जाएगा। और ये खड़ी है RRTS जो पहले वाली है, जो पहले यहाँ पर आई थी वो है गाइस, देख सकते हैं तस्वीरें। और चलो मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ से भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं और बता भी देता हूं। तो देख सकते हैं ये मिट्टी डालने का काम चल रहा है, यहां पर ये साइड वॉल बनाई जा रही हैं, और इधर की साइड में ये बिल्कुल ट्रैक कंप्लीट कर लिए गए हैं यहां पर दुहाई के गई। तो ट्रेन भी ये इस साइड में यहाँ पर ये खड़ी हुई है, देख सकते हैं ये हैं तस्वीरें यहाँ की दुहाई डिपो की गई। और दुहाई डिपो पर ही ये ट्रेन चलाई जाएगी। तो अभी इसका ट्रायल रन चल रहा है यहाँ दुहाई डिपो के अंदर ही, और दूसरी ट्रेन भी आ चुकी है, और वो आई है गुजरात से। इससे अब आपको बता दूँ, जो ट्रक दिखाए थे वो ही लेकर आए थे, उन पर ही लोड थी, अब वो यहाँ पर ला दी गई है, देख सकते हैं वो वहाँ पर अंदर कनेक्ट की जाएगी, फिर उसका भी ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा गाइस। देख सकते हैं वो अंदर खड़ी हुई है, वो अंदर खड़ी कर दी गई है। और तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, यह है सीन। और ये पता नहीं चल रही है नहीं चल रही है, ये चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, ये देख सकते हैं, ये हर समय ऑन ही रहती है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, बस यही है नज़ारे यहाँ के, क्यों अभी ये ट्रैक बंद कर रखा है, अब ये हटाया जाएगा फिर ये स्टार्ट की जाएगी। तो ये कौन से रूट से आती है? अच्छा उधर से आती है पीछे से, तो पीछे का है इसका रूट, अभी पीछे खड़ा हुआ, जब उधर से आएगी वो जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ट्रक खड़े हुए हैं वहाँ पर, देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन है। ये है रैपिड रेल यहाँ की, ये अंडरपास बनाया गया, देख सकते हैं इसके ऊपर भी अभी ट्रैक बिछाए जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ तक ये अभी इससे इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ दुहाई डिपो की गई, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं गाइस। हम चल रहे हैं इस अंडरपास के अंदर, और ये मुरादनगर के लिए चला जाता है अंडरपास, देख सकते हैं ये ऊपर है RRTS का दुहाई डिपो। कुछ ऐसा बनाया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड में अभी
कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस दुहाई डिपो के अंदर गाइस। जिधर आप लोग देखोगे नज़र उठा के उधर ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कंस्ट्रक्शन। पर ये देखिए साइड वॉल बनाने का काम चल रहा है यहाँ पर। और जो नई ट्रेन आई है वो देखो वो अंदर खड़ी की गई है, वहाँ पर उतर के पहुँच चुके हैं ये। ये देख सकते हैं सारा वर्क। और यहाँ पर ये अंदर नहीं जाने देंगे अब यहाँ से। तो यही सीन है यहाँ का, ये देख सकते हैं ये स्टैंड किया जा रहा है इसको, इसको भी ये लाइन बिछाई जा रही है। ये देख सकते हैं ये जो वर्कर जो वर्क कर रहे हैं ये यहाँ पर ये लाइन बिछाने का काम चल रहा है इस साइड में। ये देखिए ये लाइन ही बिछाई जाएगी कि सारे ट्रैक इधर बिछा दिए गए हैं। और अंदर देख सकते हैं वो न्यू वाली ट्रैप्ड रेल खड़ी हुई है, वो आपको अभी उसको स्टैंड किया जा रहा है। स्टैंड हो जाने के बाद में फिर उसका भी ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी टाइम लगेगा। और ओवरहेड इक्विपमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए गए हैं लगा के। ये है कुछ नज़ारा यहाँ के गाइस, ये देख सकते हैं ये यहाँ पर ट्रैक बिछाया जा रहा है। जैसे उधर ट्रैक बिछाए गए हैं वो वाले, वैसे ही इधर भी बिछाए जाएंगे। तो उसी की ये लेबलिंग का काम चल रहा है यहाँ पर, मिट्टी इट्टी ये नापतौली का वर्क चल रहा है। देख सकते हैं वो ट्रक भी उधर लगे हुए हैं, तो इसमें साइड वॉल लगाई जा रही हैं इन पर खंभों पर, ताकि ये बिल्कुल कवर्ड हो जाए। ये देख सकते हैं क्यों यहाँ से हमें आगे नहीं जाने देंगे, ये पट्टी सी लगा दी गई है। ये ट्रैक बिछाया जाएगा इस पर, और वो अंदर खड़ी हुई है RRTS, जो न्यू RRTS आई है गाइस वो देखे अंदर खड़ी हुई है इसके। और वो ओवरहेड इक्विपमेंट वायरिंग भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। जिधर आप नज़र उठाकर देखेंगे उधर ही आप लोगों को यहाँ दुहाई डिपो का कंस्ट्रक्शन चलता हुआ दिखाई देगा गाइस। तो चलिए यही है सीन यहाँ का, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं उस साइड का भी। अब चलते हैं उधर की साइड में, उधर भी दिखा देते हैं कि उधर क्या काम चल रहा है, तभी पता चलेगा आप लोगों को। तो बीच में ये अंडरपास आ जाता है, अब हम जाने की कोशिश कर रहे हैं उस साइड में। तो उस साइड में देखेंगे कि उधर जगह है या नहीं है जाने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो यहाँ पर ये गार्ड साहब खड़े हुए हैं, इतनी डाल के देखूंगा पहले, ये कैसी चले। पर अब हम इधर की साइड में चल रहे हैं दूसरी साइड में, और इधर देखते हैं क्या वर्क चल रहा है यहाँ पे। अब हम आ चुके हैं दूसरी साइड में गाइस, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि ये खड़ी हुई है RRTS। सारा कंस्ट्रक्शन आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है देख सकते हैं गाइस। और ये आपको बता दूँ ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, तो इसके वर्कर इसकी खुदाई कर रहे हैं अभी। ये साइड साइड से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है ताकि इसमें पानी आ जा सके, निकल सके। और आगे देख सकते हैं ये यार्ड है, ये यार्ड है, तो यहाँ पर भी इन्होंने ये साइड वॉल लगा दी गई हैं। इधर कंप्लीट कर लिया गया साइड वॉल का काम, और इधर ये भरकर खड़े हुए हैं। आगे तो और कुछ है नहीं ज़्यादा, तो हम चलते हैं वापसी। बहुत थोड़ी का हमें कहाँ भेज रहा हूँ, टोड़ कलम है। ये देख सकते हैं ये है सारा काम गाइस। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तो एंजॉय करो।